नमस्कार आदाब, न्यूज़ 5 AM जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नज़र डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। भारत में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा की बढ़ती लहर ने हमारी सामूहिक चेतना को झकझोर कर रख दिया है। छेड़खाड़ और बलात्कार जैसे अपराधों में आश्चर्यजनक वृद्धि तत्काल और निर्णायक कार्रवाई की मांग करती है। अकेले 2021 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने 31,516 बलात्कार के मामले दर्ज किए हैं, जो कि एक चिंताजनक आंकड़ा है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 20% की वृद्धि दर्शाता है। हर दिन लगभग 90 महिलाएं इस भयानक अपराध को सहती हैं, जिनमें से कई मामले सामाजिक कलंक, धमकियां और हमारी न्यायिक प्रणाली में कम होते विश्वास के कारण दर्ज ही नहीं हो पाती। लंबी न्यायिक प्रक्रिया न केवल न्याय में देरी करती है, बल्कि पीड़ितों और उनके परिवार वालों के लिए आघात को भी बढ़ाती है। परित्याग और लंबे समय तक पीड़ा की भावना सुधार की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। इन्हीं सारे बातों को मद्देनजर शनिवार को गर्ल्स प्राउडेस्ट यूनिवर्सल टाटानगर जमशेदपुर की टीम ने पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री व देश के कानून मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को पत्र लिखकर छेड़छाड़ और बलात्कार के दोषियों के लिए मृत्यु दंड की व्यवस्था का प्रस्ताव रखा, जिसका उद्देश्य इन गंभीर अपराधों के खिलाफ एक शक्तिशाली निवारक के रूप में सेवा करते हुए अधिक तेजी से और प्रभावी ढंग से न्याय प्रदान करना। यहाँ उन्होंने कई ठोस कारण दिए, जिसके मद्देनजर ये दृष्टिकोण गंभीर है। कलकत्ता में जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो घटना घटी है, उसको हम लोग जो भर्त्सना करते हैं, तहे दिल से करते हैं, निंदा भी करते हैं, लेकिन निंदा करने से और भर्त्सना करने से उसका कोई उपाय नहीं है। उपाय एक ही मात्र है कि हमारे समाज के अंदर नैतिकता और आध्यात्मिकता कायम होना चाहिए, और उसी के अभाव में सब हो घटना कर रही है। हमारे शिक्षा व्यवस्था का भी दोष है, शिक्षा में कहीं भी नैतिकता की पढ़ाई नहीं हो रही है। सिर्फ सजा देने से अगर दूर हो जाता तो कानून एक से एक बने हुए हैं जिसमें दूर हो जाना चाहिए। आज क्या कर रहे हैं आप लोग? आज हम लोग जो है अपने इसी कलकत्ता की घटना को लेकर के हम लोग जो है उपायुक्त महोदय को एक ज्ञापन दे रहे हैं, और साथ साथ चाह रहे हैं कि जो है प्रौढ़ सिद्धांत लागू हो। किस संस्था से आए? प्रौटिस्ट यूनिवर्सल। आपका नाम? लाल बिहारी आनंद। अभी घटना हुआ है, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए हमारे देश में। हमारा देश विश्व गुरु तो यहाँ पर महापुरुष आए, शिव आए, कृष्ण आए, गौतम बुद्ध आए, इतने महापुरुष आए, लेकिन आध्यात्मिकता के अभाव के कारण ऐसा हो रहा है। बहुत पढ़े लिखे लोग डॉक्टर हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हो करके नैतिकता का मानसिक स्तर इतना गिर जा रहा है। इस तरह का हरकत कर, इस तरह का निंदा मतलब कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। जो कि बोलते हैं कि शिक्षा है, लेकिन शिक्षा है लेकिन वहाँ पर आध्यात्मिकता का अभाव है। शिक्षा भी अध्यात्म बिना शिक्षा अधूरी, भारत की है क्या मजबूत। हम लोग चाहते हैं, हम लोग प्रौढ़ आए हैं, हम लोग चाहते हैं हमारा सिद्धांत है प्रौढ़ सिद्धांत, ये सिद्धांत हमारी व्यवस्था लागू हो। ये व्यवस्था की कमी है, इसीलिए इस तरह की घटना हो रही है। रोज लोग मांग करते हैं कि मांग कर रहे हैं, लेकिन अपनी सजा देने से तो समस्या दूर नहीं हो रही है। दिन प्रतिदिन होते जा रही है, घटना हो रही है, ये घटना थमने के नाम नहीं ले रही है। आगे इसके साथ आगे किसी के साथ होते जा रही है, क्योंकि अगर घटना हो रही है, सजा देने से अगर कम हो जाती तो इस तरह की घटना नहीं होती। इतना भी सजा दे, लेकिन जब तक से हम सजा दे रहे हैं, व्यवस्था की कमी है, हमें व्यवस्था बदलनी हो, व्यवस्था परिवर्तन करना होगा। मेरा नाम आसान है। सुनो, अंधेरा हो चुका है, रात को जला लो लाइटर, क्योंकि मच्छरों से लड़ने के लिए बनना पड़ेगा फाइटर। मगर आपको न लाइटर जलाने की जरूरत है और न ही फाइटर बनने की, क्योंकि आपके घर और जिंदगी को रोशन करने के लिए सिर्फ एक भरोसेमंद नाम बैटरी बाजार ही काफी है, जहां आपको बाइक से लेकर ट्रैक्टर तक की हर क्षमता की बैटरी मिल जाएगी, वो भी वाजिब दाम और आसान मासिक किस्तों पर। चाहे आप किसी भी ब्रांड की बैटरी या इन्वर्टर चाहते हो, बैटरी बाजार आपकी जरूरत पूरी करेगा। साथ ही दमदार सेम डे ऑन स्पॉट होम अवेलेबल सर्विस के साथ अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपका एक लम्हा भी अंधेरे में ना गुजरे।